हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कितने ही लोग हैं जिनको हम स्टार्स की तरह से जानते हैं, सेलिब्रिटीज के तौर पर जानते हैं, लेकिन जब भी हम किसी एक्टर का नाम लेते हैं तो ऑब्वियसली एक कुछ चुनिंदा ही नाम हमारे सामने आते हैं, और उनमें से मनोज वाजपेयी एक ऐसा ही नाम है। स्टार्ट करती हूँ, मनोज जी क्या है इस फिल्म के बारे में? जहां तक मुझे पता है ये कुछ माइग्रेंट्स इशू पर बेस्ड है, और अभी हमने हाल ही फिलहाल काफी मतलब देखा माइग्रेंट्स इशू, लोग एक राज्य से दूसरे राज्य पैदल कैसे चले जा रहे थे, और लाखों लोग इस तरह से कभी इमेजिन भी नहीं किया था। क्या है इस फिल्म में? माइग्रेंट और मजदूरों का जो पूरा इंसिडेंट है और जो घटना घट रही है वो बैकड्रॉप में, फोर फ्रंट में एक बूढ़े आदमी की कहानी है। एक एक पुलिस वाला जो रिटायर हो चुका है और एक पुलिस वाला जो रिटायर नहीं होना चाहता, शांत अकेले में जीने वाला आदमी, जिसके अंदर में बहुत सारी अपनी परेशानियां हैं जिससे जूझ रहा है, जिसमें से एक बीमारी है, जिसमें उससे उसका अकेलापन है, एक नॉटनी है उसकी लाइफ की। जी, मतलब ये इस तरीके से आपने पूरा रोल डिस्क्राइब किया है, ऐसा लग रहा है कि मतलब ज्यादातर लोग हमारे आसपास शायद इसी तरह के अपनी उस भूमिका में जीते हैं, क्योंकि इतना अकेलापन है और इतनी परेशानियां हैं, सब एक एक सही में एक आम इंसान की तरह आप उसके आपने डिस्क्राइब किया है रोल जैसा है। थोड़े दिन पहले ही सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई है, और एकदम से बहुत ज्यादा बहुत सारे लोगों ने उस पर रिएक्ट भी किया, और बहुत सारे लोग गमगीन थे उस तरह से लेके। लेकिन उसके बाद जो शुरू हुआ है मेंटल हरासमेंट ऑन सोशल मीडिया जो बाकी सेलिब्रिटीज को लेके, आप उस पर क्या सोचते हैं? क्या वो भी सही है कि जिस तरह से लोग अपना गुस्सा उतार रहे हैं दूसरे लोगों पे और लिख रहे हैं, टैग कर रहे हैं? ये मुझे गाली गलौज से ना, सोशल मीडिया पे गाली गलौज से मुझे बहुत परेशान, वो चाहे किसी भी मुद्दे पे हो बहुत ज्यादा परेशान। मुझे लगता है कि और खास करके अगर आप गाली तो वैसे नहीं किसी को भी देना और छुप के देना, ट्विटर पे देना, फेसबुक पे देना, इंस्टाग्राम पे देना, इसका मतलब यह है कि आप सारी बातचीत का रास्ता बंद कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सब लोग गाली गलौज करना बंद करें और जो सवाल है वो पूछें। सवाल को पूछने के अपने फायदे हैं और प्रजातांत्रिक तरीके हैं, उसको उसी तरह से पूछा जाए तो ज्यादा अच्छे ढंग से वो सवाल पहुंचेगा जहां आप पहुंचाना चाहते हैं। गाली गलौज से कुछ बदलता नहीं। जितने साल में ये गाली गलौज शुरू हुआ है, जो ट्रोलिंग शुरू हुई है, कल्चर जो शुरू हुआ है, इससे कुछ बदला नहीं। आप किसी के दिमाग को नहीं बदल सकते हैं गाली गलौज से, आप संवाद करके ही बदल सकते, आप चीजों को तर्क के साथ रख के ही बदल सकते, आप डिबेट करके, वाद विवाद करके, बहस करके ही बदल सकते। संदीप जी, मैंने अनारकली उपारा का जब दिल्ली में म्यूजिक लॉन्च था तब आपको देखा था, और आपकी कुछ जब अविनाश दास भी उस पे उसके बारे में बात कर रहे थे। अभी जैसे उस टाइम आपने बोला था कि जैसे सेंसर वगैरह के सामने काफी मुश्किल होता है एक प्रोड्यूसर के लिए अपनी फिल्म को इस तरह से सामने लाना, अपनी कहानी कहना, बहुत तरह के लिमिटेशंस होते हैं। लेकिन अभी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, और आपका शायद जो ये अब नई फिल्म है ये भी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही आ रही है, थोड़ा कुछ आसान हुआ है, कुछ बेहतर हुआ है, या अभी वहां पर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं? अभी सेंसर ने, सेंसर का तो मुझे मालूम, मतलब अभी डोंट वांट टू डिस्कस, बिकॉज़ क्योंकि हमने जब फिल्म बनाई थी और जब आप फिल्म देखेंगे तो ऐसा कुछ इसमें जिसने पंगा करना है उसने करना ही है। बट ऐसा कुछ जैसे मनोज जी ने कहा कि ये वो एक बैकड्रॉप है, एक आदमी की जर्नी, एक आदमी की कहानी है, बूढ़े आदमी की, जो कि साइलेंट हीरो अपनी जिंदगी में जो भी उसने किया, मतलब बड़ी अच्छी तरह उसने किया। बट हाँ, आज सेंसर में एक एज ए प्रोड्यूसर, कोई भी प्रोड्यूसर हो, डर तो लगता ही है इन टर्म्स ऑफ कोई भी गाली हो या कोई गलत सीन हो या गलत कोई लैंग्वेज। हाँ, अगर ये पिक्चर थिएटर में रिलीज होती और प्रमोशन पे आती तो शायद किसी ने अगर इशू बनाना होता तो इसमें बना देता। तो आपने भी एकदम जहां से स्टार्ट किया, आपने शायद टीवी भी किया है, और एक स्वाभिमान एक सीरियल आता था दूरदर्शन पर, टीवी जर्नी के बारे में बताइए, वो लोग बहुत कम जानते उसको लेके, उसके बारे में। हाँ, आजकल लोग बहुत कम जानते हैं। मैं टीवी मैंने करना शुरू किया था बहुत ही, मतलब बेमन से शुरू किया था, क्योंकि मैं मुंबई आया था फिल्में करने और काम मिल नहीं रहा था, बहुत बुरी जिंदगी थी। कई बार तो खाने के पैसे नहीं होते थे और कई ज्यादातर समय जो है आप यही सोचते रहते थे कि अगला खाना कहाँ खाएंगे पूरे दिन। उस समय में मेरे दोस्त थे अशोक खुरंग, उन्होंने जो है मेरे पास काम आया 12 एपिसोड का स्वाभिमान का, और वो मेरे
कमरे में ही बैठे थे और उन्होंने जबरदस्ती वो मुझे जबरदस्ती लेके गए और उन्होंने ही जाकर के वहां पे जो लोग ऑफिस था उन्होंने जाके बोला उनको कि ये करेगा। मैं बेमन से गया, मैं वो जबरदस्ती उन्होंने कहा कि 10 एपिसोड के बाद 12 एपिसोड का है, उसके बाद कभी तू टीवी मत करना, चल कर। तो 12 एपिसोड से काम लोगों ने देखा, 5 एपिसोड का जो शूट हुआ देखा लोगों ने, उसके बाद 250 एपिसोड रहा। तो अब आप भी यही सोचिए कि अगर पैमाना नहीं होता टैलेंट का तो 250 एपिसोड कैसे रहता। मुझे सबसे ज्यादा जो संतुष्टि मिली एज एन एक्टर करने के बाद, मुझे लगा कि शायद मैंने इसको बहुत ज्यादा हासिल किया, जो भी सोचा था वो हासिल किया, वो गली दुनिया में मुझे ऐसा लगा।